करने जा रही हूँ। वीडियो शुरू करते हैं। अब हम लोग मसाला तैयार करेंगे। मैंने दो ओनियन, जिंजर एंड गार्लिक ले लिया है। अब इसको हम लोग मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से पीसेंगे। अब देख सकते हैं मैंने ओनियन, जिंजर, गार्लिक का पेस्ट बना लिया है और मैंने प्लेन दही लिया है। इसको थोड़ा सा पानी में मैंने फेंट दिया है। इसको पानी लेके मैंने ओल को भी अच्छे से धो के साफ कर लिया है। इसको अच्छे से पानी से धो के साफ करना है। अब इसको हम लोग बॉयल करेंगे प्रेशर कुकर में। देख सकते हैं मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है पानी के साथ। अब इसको एक विसल आने तक हम लोग इसको बॉयल करेंगे। ज़्यादा बॉयल नहीं करना है। अब इसको हम लोग एक छलनी की मदद से हम लोग जो पानी है, गर्म पानी है, उसको निकाल लेंगे। क्योंकि अगर वो गर्म पानी में अगर ओल रहेगा तो वो बहुत ज़्यादा गल जाएगा, इसलिए हम लोग गर्म पानी से उसको निकाल कर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडी हो गई है। अब इसको हम लोग मस्टर्ड ऑयल में हम लोग फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा आप कच्ची ना चलाएं। अगर बहुत ज़्यादा कच्ची चलाइएगा तो जो ओल है वो टूट जाएगा। तो हल्के हाथों से कच्ची चला चला के इसको हम लोग को फ्राई करना है, क्योंकि ओल ऑलरेडी बॉयल किया हुआ है। ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब इसको हम लोग एक प्लेट में निकाल लेंगे। मैंने और दो चम्मच ऑयल ऐड किया था। अब इसमें हम लोग तेज पत्ते को अच्छे से फ्राई करेंगे। तेज पत्ता फ्राई हो चुकी है। अब इसमें हम लोग जो ओनियन पेस्ट है उसको ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से फ्राई करेंगे। इसके बाद हम लोग अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड करेंगे और उसको भी इसके साथ अच्छे से फ्राई करेंगे। अगर आपको तेल कम लगे तो आप तेल एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं।
मैंने 3 चिलीज ले लिया था। अब मैंने कर्ड में ही मैं हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और रेड चिली पाउडर सबको एक साथ ऐड करके हम लोग मिक्स कर लेंगे। सभी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद ये बिल्कुल वो हल्दी का उपटन लग रहा है, शादी वाला उपटन। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि जो मसाला है वो चिपक रहा था। अब जो वो कर्ड और जो पाउडर मसाला उसमें ऐड किया था उसको भी मैं मसाला के साथ ऐड करके अच्छे से हम लोग फ्राई करेंगे। अब लोग चिली भी ऐड कर देंगे। अगर आपको चिली और ज़्यादा चाहिए तो आप ऐड कर सकते हैं, अगर आपको कम चिली कम स्पाइसी बना रहे हैं तो आप कम चिली भी ऐड कर सकते हैं। इसको हम लोग को अच्छे से फ्राई करना है। मैंने थोड़ा सा पानी गर्म कर लिया था, ये जब भी मसाला चिपकेगा तो मैं उसमें थोड़ा सा गर्म पानी ही ऐड करके उसको फ्राई करूँगी। गर्म पानी ऐड करने से क्या होता है, जो मसाला का कलर है ना बहुत अच्छा आता है। आप चाहे तो नॉर्मल पानी भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे 1 चम्मच और नमक स्वाद अनुसार हम लोग ऐड करके इसको सारे मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड करेंगे ताकि जो मसाला है वो एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। मैं हमेशा गरम मसाला और नमक, मसाला जब 70% मेरा 60-70% पक जाता है, मतलब अच्छे से भुना जाता है 60-70%, उसके बाद ही मैं गरम मसाला और नमक ऐड करती हूँ। उससे क्या होता है उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा और वो चिपक रहा था इसलिए मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ उसमें। अब मैं फ्लेम लो करके इसको ढक के पकने के लिए छोड़ूंगी। अगर आपको जब भी मसाला जल्दी पकाना होगा ना तो आप उसको ढक के पकने के लिए छोड़ दीजिए, तो बहुत जल्दी पक जाता है। आप देख सकते हैं ये तेल पूरा छोड़ रहा है, ये बहुत अच्छे से पक गया है। ढकने से क्या आपका टाइम सेविंग होता है और मसाला भी बहुत अच्छे से भुना जाता है। देख सकते हैं कितना अच्छे से भुनाया है मसाला। मैंने फ्लेम हाई कर लिया था, आपको पता है मैं हमेशा हाई फ्लेम में ही मसाला को भूनती हूँ। अगर ज़रूरत पड़े तो आप मीडियम फ्लेम कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग ओल को भी ऐड कर देंगे और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुकी है, अब इसमें हम लोग पानी ऐड करेंगे, वो जो गर्म पानी था उसी को ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी को देने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको ज़्यादा नहीं 5 मिनट के लिए हमको पकने के लिए छोड़ देना है ढक के। आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ चुकी है, अब इसको हम लोग 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। 5 मिनट हो चुकी है, सब्जी बिल्कुल बन के तैयार है। अब मैं गैस बंद करूँगी और गरम गरम राइस के साथ इसको इंजॉय करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।